राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे को। दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग आपसे रोज यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव पे मिलते हैं। रोज 3 बजे आपसे मिलते हैं और रात को 10 बजे भी मिलते हैं यूट्यूब और फेसबुक लाइव पर। आपके जीवन से जुड़े हर समस्या का समाधान जो है वो हम लोग करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और आपके प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो सभी लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, जिस दोष के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो अक्सर सभी कुंडलियों में देखा जाता है। क्या है वो महादोष? वो है पितृ दोष। आप समझ ही गए होंगे कि पितृ दोष जब हमारी कुंडली में लग जाता है, पितृ दोष जब हमारी कुंडली में आ जाता है, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जब बृहस्पति के पक्के घरों में दूसरे पांचवे, आप सभी को पता है कि बृहस्पति के पक्के घर कौन कौन से होते हैं, दूसरा घर होता है, पांचवा घर होता है, नवम भाव होता है, ग्यारहवा भाव होता है और बारहवा भाव होता है। जब भी बृहस्पति के पक्के भाव में उसके शत्रु ग्रह आ जाते हैं तो क्या होता है कि पितृ दोष लग जाता है। बृहस्पति का दोष तो यही होता है। और मातृ दोष कब लग जाता है? जब चंद्रमा के भावों में, चंद्रमा के भावों में जब उसके शत्रु ग्रह आ जाते हैं, यानी चंद्रमा के भाव कौन से होते हैं, दूसरे घर में मुचका होता है, चौथा घर उसका भुतका होता है और वहां पर केतु आ जाए, राहु आ जाए, शनि आ जाए, या ये दूसरे घर में भी राहु केतु शनि आ जाए, शुक्र आ जाए, तब भी ये जो है दोष लग जाते हैं। ऐसे बहुत से योग योग होते हैं, आज हम उस बात पे बात नहीं करेंगे। मैं आपको बस आज ये बताऊंगी कि अगर आपकी पत्रिका में पितृ दोष है, आपने कहीं से भी सुना है कि आपने कहीं पत्रिका दिखाई है और कहीं पर भी आपने सुना है कि मेरी पत्रिका में तो पितृ दोष है, तो कर लीजिए ये महा उपाय, आपकी पत्रिका का पितृ दोष आपको परेशान करना बंद कर देगा। आपको जो है पितृ दोष ये परेशान करना बंद कर देगा। आप जीवन में उतनी ऊंचाइयों पर जो नहीं जा पाते हैं, आप उन ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देंगे। आप जो तरक्की नहीं कर पाते हैं, वो तरक्की आपकी होनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में अनायास जो घटनाएं घट जाती हैं, वो घटना बंद हो जाएंगी। बच्चों के चोट, एक्सीडेंट के योगा योग जो होते हैं वो होने बंद हो जाएंगे। तो करना है आपको ये महा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिये, महीने के अंदर आपको पता है कि अमावस्या आती है, महीने के अंदर आपको पता है कि जो है संक्रांति आती है, और महीने के अंदर आपको पता है कि एकादशी आती है। तो इन तीनों डेट्स पर जो है संक्रांति पे जबकि सूर्य चेंज होता है, सूर्यदेव जब राशि परिवर्तन करते हैं, तो हमें पितरों का भोग निकालना चाहिए। उस दिन भी हमें पितरों का भोग निकालना चाहिए जिस दिन सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है। सूर्यदेव जब मेष राशि से वृष राशि में गए, वृष से मिथुन में गए, मिथुन से कर्क राशि में गए, 15-16 के आसपास जो है सूर्यदेव जो है वो राशि परिवर्तन करते हैं हर महीने की, तो आपको उस टाइम पीरियड भी संक्रांति का जो है कुछ ना कुछ अपने घर में जो है निकालना चाहिए। दूसरा, जब एकादशी होती है तो भी आपको ब्राह्मणों के लिए भोजन या अपने घर से पितरों के लिए जरूर निकालना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर कुछ घर में नहीं बना सकते हैं तो आप सूखा दे दीजिए। सूखा में आप कुछ सूखे फल दे सकते हैं, साथ में आप कुछ वेजिटेबल्स दे सकते हैं किसी को भी। अगर आपको ब्राह्मण भी नहीं मिलता है तो किसी गरीब को दे दीजिए, आपके पितर आपसे खुश होने शुरू हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि आपको पितरों को ही देना है, आप उनके नाम से गाय को खिला दीजिए। अगर आपको कोई नहीं मिल पाता है, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा, कोई गरीब नहीं दिख रहा, आप गाय को खिला दीजिए उनके नाम से। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो गया है, चमत्कार आपको महसूस होगा, चमत्कार करके देखिए। ये महीने के 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अमावस्या वाला दिन, संक्रांति वाला दिन और जो है एकादशी वाला दिन। ये 3 दिनों में अगर आपने अपने घर से कोई भी सामान अगर आपने निकाला है, उनके लिए कुछ भोजन निकाला है, सपोज कीजिए आप 4 पूड़ी बना लीजिए, उसके ऊपर कुछ आलू की सब्जी का छोक लगा कर रख दीजिए, या आपके घर में कोई भी सब्जी बनी हो, लहसुन प्याज अगर उसमें ना डला हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तभी मैंने कहा कि आलू का छोक तो सभी लोग लगा सकते हैं, कोई इसमें तामझाम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो कीजिए ये उपाय, आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं ये छोटे छोटे उपाय, बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट आता है। मैंने देखा है, मैंने अपने हजारों क्लाइंट्स को करवा कर देखा है, तभी मैं आपको एक टेस्टेड उपाय ही बताती हूँ।
ऐसे नहीं बताती मैं आपको कहीं पर जाके ये गाड़ के आ जाइए, कील ठोक दीजिए, ये कर दीजिए, मुंह पर ये रखे खा के चले जाइए, ऐसा नहीं बताती मैं आपको कोई भी उपाय। मैं आपको ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे आपका कल्याण होना ही होना है। ये तीन दिन आपको याद रखेंगे अब आप लोग, एक अमावस्या का दिन, एक संक्रांति का दिन और एक जो है एकादशी का दिन। इसमें से मेरे बहुत से प्यारे भाई बहन होंगे जो हर महीने इन तीन दिनों में करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो ध्यान रखें इन तीन दिनों में जरूर जरूर निकालिए, और जो है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है वो करने से आपके जीवन के सारे कलेश जो है वो दूर होते जाएंगे, समस्त वास्तु दोष भी इस उपाय को करने से दूर होते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो वास्तु देवता जो है उनको भोग मिल जाता है तो वो वहीं शांत हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी भी जो है वो आपको नहीं आने देती। तो मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, लेकिन फिर किसी और नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए राधे राधे।